ओह हाय, सबसे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। टैग, तुम्हें आज याद आ रहा रिपब्लिक डे के बारे में? नहीं, याद तो पहले भी आया था, पर सॉरी मैं थोड़ा लेट कर गया। बात दरअसल ऐसी है कि आजकल ना हर जगह काफी वायरस सुनाई दे रहा है। ओह हाँ, आप में से एक प्यारे जीव वैज्ञानिक ने इस पर वीडियो मांगा था, तो फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं? और अगर आपको भी अपने फेवरेट टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। चलिए इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हम वायरस पर डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले क्या आपको जरा भी कुछ अंदाजा है वायरस होते क्या है? नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो अंत तक देखिएगा और हो सकता है फिर आपके कोई क्वेश्चंस बचे ही ना। देखिए वायरसेस होते तो बहुत ही ज़्यादा छोटे, हद से ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने ज़्यादा छोटे अगर ये अंदाज़ा लगाना हो तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो आपके नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, वे उनको देख ही नहीं पाते। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये वायरसेस आए कहाँ से? दरअसल ये शुरू से ही मौजूद थे, पर सबसे पहले एडोल्फ मेयर नाम के एक केमिस्ट थे। सालों पहले इन्होंने देखा कि तंबाकू यानी टोबैको की कुछ पत्तियां अजीब तरीके से डैमेज हो गई हैं, तो उनके दिमाग में एक खुराफात सूझी और फिर उन्होंने उन्हीं डैमेज पत्तियों को लिया और उनको पीसा या यू कैन ग्राइंड किया पानी में, फिर उसको काफ़ी ज़्यादा फिल्टर किया, सैप बनाया और उस फिल्टर को नई पत्तियों पर डाल दिया। बस फिर क्या था, नई पत्तियाँ भी बीमार हो गई। और फिर जब उन्होंने उसी फिल्ट्रेट को 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया और उसके बाद अप्लाई किया, तब नई पत्तियों को कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल स्वस्थ निकली। तो इससे मालूम है आपको क्या हुआ? इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो ये बैक्टीरियाज हैं, और फिर उन्होंने इस डिजीज़ को मोज़ेक रैंकेट या मोज़ेक नाम दिया। पर एक साइंटिस्ट थे आइवानोवस्की, उन्होंने चैम्बरलैंड फिल्टर कैंडल्स का यूज किया। अब आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता कि चैम्बरलैंड कैंडल फिल्टर्स किस लिए यूज किया जाता, तो हम आपको ये बता दें कि चैम्बरलैंड कैंडल फिल्टर्स बैक्टीरियाज को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। तो फिर क्या हुआ, आइवानोवस्की ने उन सभी फिल्ट्रेट को चैम्बरलैंड फिल्टर कैंडल से पास किया। जैसा कि आप सबको भी लग रहा है कि इससे तो बैक्टीरियाज को रुक जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए और इन फिल्ट्रेट्स के द्वारा नई पत्तियों बीमारी नहीं आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद ही पत्तियां बीमार पड़ जा रही थीं। तब इससे उन्हें यह लगा कि हो ना हो ये बैक्टीरिया तो नहीं है। इसके बाद एक महापुरुष आए जिनका नाम है बीजे रिंक, नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकाला कि ये जो फिल्ट्रेट है यानी जो फ्लूइड है वही डिजीज कॉज करता है, और यदि इसमें कोई पार्टिकल है तो वो नॉन फिल्टरेबल है यानी उसे फिल्टर नहीं किया जा सकता। और वैसे भी हमने आपको तो पहले ही बताया ना कि ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये कॉमन सी बात है, ये फिल्टर तो होंगे नहीं, ये तो पास कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बियरिंग ने बताया कि ये नॉन फिल्टरेबल है, नॉन विजिबल है यानी देखा भी नहीं जा सकता, और इसके साथ ही साथ ये नॉन कल्टिवेबल है यानी कि इन्हें हम बैक्टीरियाज की तरह, एलगीज की तरह या फंगस की तरह खुद से नहीं पैदा कर सकते। पर आजकल ये बात गलत साबित है। इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर और रिसर्च आगे जारी रखा, जैसे कि आपके स्लेज सिंगर 1933 में इन्होंने आखिरकार वायरस को प्यूरीफाई करके अलग ही कर लिया। पर इसका असली श्रेय जाता है स्टैनले को, जो कि एक नोबल प्राइज विनर हैं। इन्होंने 1935 में ये जो आप अभी तक टोबैको का मोज़ेक वायरस देख रहे थे ना, इसे क्रिस्टल फॉर्म में अलग किया था, यानी जिसे देखा नहीं जा सकता उसे सॉलिड कर दिया। और फिर हमें पता चला इंसानी इतिहास के सबसे पहले वायरल डिजीज़ यानी कि येलो फीवर के बारे में, तब जाकर हमें पता चला कि ये येलो फीवर आखिरकार वायरसेस के द्वारा होता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। चलिए ये तो हुई वायरस की हिस्ट्री, डिस्कवरी, इन सब के बारे में, पर अगर देखा जाए तो वायरस होते कैसे हैं? देखिए वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनमें सेल के नाम पर लिटरली कुछ नहीं पाया जाता सिवाय दो तीन चीज़ों के,
जिनमें से पहला है इनका जेनेटिक मटेरियल जो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, लेकिन हाँ दोनों नहीं हो सकता, दो में से एक ही होगा। और दूसरा है इनका कवर जो कि इनके जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखता है और जिसे हम कहेंगे कैप सीड। देखिए एक बात जानने वाले वो ये कि जो बैक्टीरिया का कवर होगा उसे हम कैप्सूल और जो वायरस का कवर होगा उसे कैप सीड बोलेंगे। देखा जाए तो मिला जुला कर एक टिपिकल वायरस में सिर्फ ये ही पाए जाते हैं, पर कुछ स्पेशल वायरस जैसे कि हर्पीज वायरस, नाम तो सुना है ना, हाँ हर्पीज वायरस, इन सब में इनके कैप्सिड के बाहर भी एक कवर पाई जाएगी जो या तो लिपोप्रोटीन एंड लिपिड ऑफ प्रोटीन की या फिर सिंगल लिपिड की बनी हुई होगी। देखिए एक वायरस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखिए एक बात है जो आप यहीं पर जान लीजिए, क्योंकि वो तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा और अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा जान लीजिए कि यदि अगर जेनेटिक मटेरियल और उसके ऊपर प्रोटीन का कवर होगा तो वो एक वायरस होगा, और अगर कवर हटा दिया जाए और इसके साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए या फिर डीएनए होगा इसकी इतनी औकात हो कि ये किसी को इन्फेक्ट कर सके और बीमारियां फैला सके तो इसे हम वायरॉइड कहेंगे। और अगर जेनेटिक मटेरियल ना हो, सिर्फ एक प्रोटीन का ही पार्ट हो, यानी एक सिर्फ छोटा सा प्रोटीन हो और वो प्रोटीन ही इन्फेक्शियस हो यानी कि डिजीज कॉज करने लायक हो तो उसे हम प्रियॉन बोलेंगे। चलिए देखिए ये तो रहा एक टिपिकल वायरस, और अगर हम इनके साइज को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करेंगे। ये मोस्टली आपको 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर के रेंज में मिलेंगे, जैसे कि आपके 120 नैनोमीटर के एचआईवी वायरस, 30 नैनोमीटर के राइनो वायरसेस। पर तो इनमें से ना कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि आपका मिमी वायरस जो कि लगभग 500 नैनोमीटर जितना बड़ा होगा। और एक राज की बात बताऊँ, ये अभी तक के सबसे कॉम्प्लेक्स वायरसेस में से एक है, या यू कहें सबसे कॉम्प्लेक्स वायरस ही है। देखिए जितने भी बड़े या यू कहें जैंट वायरसेस होते हैं उन्हें हम कॉमनली जाइडस कहेंगे। और मिमी वायरस के बारे में खास बात आपको पता है क्या है, वो ये कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है या यू कहें डीएनए, उसमें 1.2 मेगाबाइट इतनी ज़्यादा डेटा स्टोर है या यू कहें इनकोडिंग। देखिए ये तो हुई साइज की बात, अगर हम इनके शेप को देखें तो कुछ आपको क्यूब के फॉर्म में जैसे कि शलगम का येलो मोज़ेक, कुछ ह्यूमंस में कैंसर करने वाले वायरसेस फडीनो वायरस, कुछ तो आपको मेंढक के बच्चों जैसे यानी कि टेडपोल जैसे दिखेंगे। और इस शेप में सबसे ज़्यादा बदनाम जो है वो है आपका टी यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि ऐसा वायरस है जो कि वायरस होते हुए बैक्टीरियाज को अटैक करता है और उन्हें ख़त्म करता है। कुछ वायरस आपके राउंड राउंड होंगे, गोल 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 गोल, जिनमें से आपके कॉमनली नाम आते हैं हर्पीस वायरस, मम्प्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। कुछ रॉड लाइक होंगे जैसे कि, अरे हमने आपको पहले ही बताया ना, टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि तंबाकू वायरस। और कुछ वायरसेस तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि हमको पहले ही बताया टी, वैक्सीनिया वायरस, ऑर्फ वायरस या काउपॉक्स वायरस। देखिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया ये नॉन सेलुलर होता है, कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, ना कोई सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, ये अपने जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ होश पर डिपेंड होगा। और वायरसेस के बारे में कोई फैक्ट बताऊं, इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच का लिंक यानी कि कड़ी कहते हैं। और वो क्यों, वो सिर्फ इसलिए कि जब तक ये अपने होस्ट से बाहर यानी किसी सेल से बाहर मौजूद होंगे तो ये नॉन लिविंग की तरह होंगे, ये बिल्कुल निर्जीव वस्तु की तरह पड़े हुए रहते हैं। पर अगर ये किसी सेल में इंटर कर गए तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं।
और फिर उस सेल पर हमला कर देते हैं और उस एनिमल या प्लांट को बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार कर देते हैं। देखिए, जो वो वायरॉइड और प्रियॉन होते हैं, इन सब के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। और रही बात वायरसेस की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो या कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ चैनल पर बहुत ही मज़ेदार कॉन्टेंट्स पड़े हुए हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ को अपने काफ़ी करीब से जानना चाहते हैं तो हमारी प्रयोगशाला प्लेलिस्ट आपकी काफ़ी मदद करेगी, उसे जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आप इस चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर किया करिए, ताकि हम एक काफ़ी मजबूत टीम बना पाएँ और लोगों को दिखा सकें कि बायोलॉजी भी कोई छोटी मोटी साइंस नहीं है, इसे भी चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और बाय बाय।